वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान. अच्छा जी, एक खबर जो हमने वायरल देखी और इस वक्त इट्स डूइंग क्वाइट अ फ्यू सर्कल्स, ये है जी एक हमारे कैंसर हीरो की जो अनथक कोशिशें वो और उनके तमाम मॉलेज कर रहे हैं कि इस मूजी मर्ज को वो मात दे सकें, और यकीनन इसमें उनको हमारी और आपकी सपोर्ट की जरूरत है. हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हाशिम रजा की, जो कि फोर्थ स्टेज पे हैं अनफॉर्चुनेटली स्टमक और इंटेस्टिनियल कैंसर के, और इस वक्त उन्होंने ऑनलाइन अपील की थी और ये अपील मेरी टीम की नज़र से गुजरी और इनसे हमने रابطہ किया. आज हमारे साथ हाशिम मौजूद हैं, उनसे भी आपकी गुफ्तगू कराएंगे, और इसके अलावा डॉक्टर एहसानुर रहमान जो इनके कंसल्टेंट ऑन्कोलॉजिस्ट हैं. जब हम कैंसर अवेयरनेस की बात करते हैं, यकीनन एक बड़ा तकलीफ दह लम्हा होता है पूरे खानदान के लिए और बजाते खुद मरीज के लिए भी, कि जब आपको कहा जाए कि योर कैंसर हैज एक्सीडेड अ सर्टन स्टेज, लेकिन हमारी अब भी लाइफस्टाइल में हम कैसे तब्दीली ला सकते हैं, किन चीज़ों के बारे में हमें आगे ही होनी चाहिए, और किस तरह इलाज के जरिए या मुख्तलिफ ऑप्शंस के जरिए एक मरीज की जिंदगी को आसान बनाया जा सकता है, ये सवालात भी हम इनके कंसल्टेंट से करेंगे. इसके अलावा अगर आप हाशिम की मुआवनत करना चाहें तो इनके जो नंबर्स हैं वो हमारे सामने हैं, आप हमारी टीम से राबता करके इनसे कॉन्टैक्ट कायम कर सकते हैं, एंड एवरी काइंड ऑफ हेल्प वुड रियली गो अ लॉन्ग वे. तो आइए जरा हाशिम से गुफ्तगू करते हैं. अस्सलाम वालेकुम हाशिम. वालेकुम अस्सलाम. हाशिम, सबसे पहले तो असले की आपकी ब्रेवरी की मैं दाद देना चाहूंगी. आसान नहीं होता, और खास तौर पे जिस तरह आपने सोशल मीडिया पे भी इस हवाले से बात की, आप इस मर्ज की अवेयरनेस के हवाले से भी कोशा हैं, लेकिन मुझे बताइएगा, यू वेरी यंग, आपको किस वक्त पता चला था कि आप कैंसर में मुब्तला हैं, और उसके बाद का जो सिलसिला था इलाज का, ये पूरी जर्नी, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताना चाहें. बेसिकली मुझे लास्ट ईयर 2020 को मेरा फर्स्ट विजिट था डॉक्टर के, तो उसमें मुझे ब्लोटिंग वगैरह फील होती थी और हार्डनेस थी, स्टिफनेस थी पेट में. तो मैंने जब टेस्ट कराया तो पता लगा कि मेरा जो स्मॉल इंटेस्टाइन का रास्ता है स्टमक के साथ कनेक्टेड है, वो डॉक्टर ने एंडोस्कोपी की तो पता लगा कि वो क्लोज्ड है. तो बायोप्सी रिपोर्ट्स आई, उसमें रिपोर्ट्स में कुछ इतना खास नहीं आया. फिर मेरा स्टमक बाईपास ऑपरेशन हुआ 5 जून को लास्ट ईयर. उस दरमियान में आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ मेडिकल प्रोसीजर, जिसमें अल्ट्रासाउंड होती है, एंडोस्कोपी होती है, डिफरेंट लेयर्स की उन्होंने बायोप्सी दी, सारी रिपोर्ट्स ठीक आ रही थी, तो पता नहीं लग रहा था. फिर डॉक्टर्स ने मतलब एंड पे ऑपरेशन से पहले ऐसी सूरत हाल होती थी मेरी कि मैं अगर रात को सो रहा हूँ ना लेटे हुए, तो मेरी नाक से भी खाना आना शुरू हो जाता. दैट वॉज मतलब इट वॉज सो पेनफुल. और खाते खाते साथ ही उल्टियां, ओवरऑल इट वाज डेली लाइक क्रिटिकल सिचुएशन. आई इमेजिन इट वाज, इट मस्ट हैव बीन अ वेरी हैरोइंग टेल फॉर यू. मुझे ये बताइए कि इस वक्त डॉक्टर्स आप जेरे इलाज हैं, और क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स जो इस वक्त आपको देख रहे हैं, कुछ आगे ही के हवाले से कहना चाहें, अगर लोग आपकी मुआवनत करना चाहें तो किस तरह आगे आ सकते हैं इसमें. बेसिकली मैं यही कहना चाहूंगा कि डाइट, मैंने आज तक जो मुझे कैंसर है मोस्टली ये होता है सिगरेट और ये, तो मैंने आज तक सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाया. तो बस ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश आई है मेरे पे. और दूसरा मैं ये कहूंगा कि अगर मेरी कोई मामनत, क्योंकि इट्स एन एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, इसका बिल्कुल मेरा काफी खर्चा भी हो रहा है, और अभी तक मुझे ना ये ही नहीं पता लग रहा कि मेरा ट्यूमर कहाँ पर है, तो उसके लिए आई हैव टू गो अब्रॉड एंड आई नीड अ लॉट ऑफ फंड्स फॉर दैट. उसमें क्योंकि इधर हमने शौकत खान ने भी ट्राई किया, वो ऑब्वियसली मेरी लास्ट स्टेज बनती है, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. तो फिर डॉक्टर एहसानुर रहमान से मुलाकात हुई, सच अ नाइस पर्सन एंड इज ऑल्सो मतलब डूइंग ऑल ही कैन डू. तो I believe your doctor is online with us. Let me check. Hello, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर एहसान, क्या आप हमारे साथ मौजूद हैं? सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का. जिस तरह के अभी हम हाशिम से बात कर रहे थे, ही इज एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज. जो हमारे व्यूअर्स हैं, जिनके हम आपके साथ हम आवाज हैं, हम चाहेंगे कि लोग आगे बढ़कर जो मुखय्यर अफराद है वो जरूर हेल्प करें हाशिम की. क्या कहना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? जी डॉक्टर एहसान जी, हाशिम देखिए यंग मैन है और मतलब पढ़ा लिखा,
सो सॉरी, मुझे लगता है कि यहाँ पे भी और वहाँ पे भी बारिश की वजह से आपकी लाइन बहुत डिस्टर्ब है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर ट्राइंग टू बी इन आर ट्रांसमिशन। हाशिम, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे और आपकी आजमाइश को, आपकी मुश्किल को आसान करे। हम आपके लिए दुआगो हैं और आपको आज यहाँ बुलाने का मकसद भी यही था कि एक तो कैंसर के हवाले से आगे ही भी हो, यंगस्टर्स को ये पता हो कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है, और साथ साथ जो लोग हाशिम की मदद कर सकते हैं, मुआवनत कर सकते हैं, प्लीज स्टेप फॉरवर्ड, यू कैन गेट इन टच विद माय टीम। हाशिम, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए एंड फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो इन द मॉर्निंग। अभी लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक।